वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेल क्या होता है, सेल कैसे बनता है, कितने प्रकार के सेल्स होते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज भी समझते हैं जनरल लैंग्वेज में हम, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो आप कुल मिलाकर इसे समझिए कि ये डिफरेंस है, किस चीज़ का डिफरेंस है, पोटेंशियल्स का डिफरेंस है। मान लें कि एक वायर है और यहाँ का पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है ये, और ये यहाँ का पोटेंशियल जो है इसके अलावा यहाँ पोटेंशियल कम है, तो लो पोटेंशियल का ही। ये दोनों के बीच जब डिफरेंस निकालिएगा तो वही चीज़ कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी दो बिंदुओं के पोटेंशियल्स के डिफरेंस को, इसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट भी बना सकते हैं आप। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बना दिया, इसे इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया ना, तो इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज सर्किट है, ध्यान रहे ये सर्किट क्लोज सर्किट है, की लगा दिया क्लोज भी कर दिए, क्लोज सर्किट है। करेंट फ्लो हो रहा, करेंट किधर से फ्लो फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये हो गया बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे, किसी क्लोज्ड सर्किट में, सर्किट का क्लोज होना अनिवार्य है, किसी क्लोज्ड सर्किट में किसी भी दो बिंदुओं के पोटेंशियल्स के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप समझिए पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज किसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले लें कि दो वेसल है, इसमें एक वेसल वह वी वन हुआ, अरे एक वेसल हो गया और ये एक दूसरा वेसल हो गया, दो वेसल हो गए, इसमें वाटर भर दीजिए और इसमें भी वाटर भर दीजिए, दोनों में वाटर हमने भर दिया, कनेक्ट कर दिए। अब एक वेसल से दूसरे वेसल में, दोनों सेम लेवल पर रखा हुआ है, एक वेसल से दूसरे वेसल में वाटर कब फ्लो होगा, लिक्विड कब फ्लो होगा, जब किसी एक वेसल में लिक्विड ज्यादा होगा और दूसरे वेसल में लिक्विड कम होगा तब फ्लो होगा। तो यहाँ का वाटर का लेवल देखिए आप, और यहाँ वाटर के लेवल आप देखिए, लेवल्स में डिफरेंस है, तब ये वाटर फ्लो होगा। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि यहाँ इसका पोटेंशियल हाई हो गया, ये उतना ऊंचा है, ये हाई पोटेंशियल समझ लें, और यहाँ पर वाटर का लेवल कम है तो ये क्या समझ लें, लोअर पोटेंशियल। तो ये दोनों के, यहाँ वाटर के रूप में समझे तो हाइट का डिफरेंस हो गया, और पोटेंशियल के रूप में समझे तो ये हायर हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया। तो ये चीज कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट तभी फ्लो होता है, किसी वायर में तभी करंट फ्लो होगा जब वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वोल्टेज क्रिएट होगा, तब। देख पा रहे हैं कि ये हायर पोटेंशियल हुआ और ये लोअर हुआ, अभी ऐसे बंद किए हुए फ्लो कर नहीं रहा, जब इसे ओपन कर दिया इस तरह कर देंगे तो फ्लो होगा ना, तो ये चीज हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा यूनिट क्या हो गया, वोल्ट, साइंटिस्ट के नाम से आया है, अलेसांद्रो वोल्टा के नाम से आया है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन करना आसान है, यदि इसको डेफिनेशन लिखना हो, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। जब किसी क्लोज सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो होगा, तब किसी भी दो बिंदु के बीच जो पोटेंशियल्स का डिफरेंस होगा वही डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। आप समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए कि यह एक बैटरी है, मान लीजिए कि यह एक बैटरी है और ई हुआ इसका पॉजिटिव टर्मिनल और एक हुआ निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये हुआ निगेटिव टर्मिनल। यदि आप इसका वोल्टेज मेजर करना चाहते हो, वोल्टेज, ये बैटरी का वोल्टेज कितना भी रखा हुआ है, तो आप क्या करें, मल्टीमीटर उठा लें, ऐसे वोल्टेज नापने का काम है वोल्ट मीटर का और पोटेंशियोमीटर का, वो दोनों डिवाइसेस अलग से बताएंगे। तो मल्टीमीटर क्या किया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, इस टर्मिनल से यहाँ मल्टीमीटर जोड़ दिया हमने निगेटिव टर्मिनल से, जब हम कनेक्ट कर दिए तब मल्टीमीटर का जो रीडिंग होगा वो आपको वोल्टेज बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो यहाँ के पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल, दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस होगा विद्यार्थियों, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे।
और ये कब हो रहा है, जब सर्किट क्लोज है तब। तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहें, ईएमएफ भी क्लियर हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे हम ईएमएफ। देखिए ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत हद तक हम वोल्टेज और ईएमएफ दोनों को बराबर समझते हैं, फिर भी ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो पहले देख लीजिए ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया, फिर दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि अलग कैसे है, या दोनों एक बराबर कब समझेंगे, कैसे होगा, कौन बड़ा कब होगा, कौन छोटा कब होगा, कौन किस पे निर्भर करेगा, सब चीजें बताएंगे। तो आइए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फुल फॉर्म है, ये कोई फोर्स नहीं है बच्चों, ध्यान रखेंगे, ये एक मिसनोमर है, समझे ना, ये कोई फोर्स नहीं है, नाम देख के इसका मतलब नहीं निकालिएगा। तो ईएमएफ भी एक प्रकार का वोल्टेज ही है। ईएमएफ समझिए कि क्या है इसको, कि ईएमएफ किसे कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। कि मान लो कि आप एक बैटरी लिए, आप एक बैटरी लिए, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल। आप यहां से वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए, या अमीटर जो कनेक्ट करना हो कर दिए, और आप यहां से वोल्टेज नाप लिए, ठीक, वोल्टेज नाप लिए। अब यहां से क्या करें, सर्किट अभी तो जो है करंट फ्लो होना नहीं था, अभी करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, केवल मेजर कर रहे हैं वोल्टेज हम। अब क्या किया जाए, सर्किट को क्लोज किया जाए, और आप चाहें तो यहाँ एक एलईडी कनेक्ट कर सकते हैं, या कुछ भी कनेक्ट करिए। जैसे कनेक्ट करेंगे सर्किट क्लोज होगा, तो ये ग्लो करना चालू कर देगा। तो हम देखेंगे कि देखिए मेजरमेंट वोल्टेज और ईएमएफ क्या क्या है। सर वोल्टेज कब आता है, जब सर्किट क्लोज हो, जब सर्किट क्लोज हो तब वोल्टेज आता है, तब जो मेजर करेंगे हम वोल्टेज वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और यदि सर्किट ओपन हो, यदि इसको क्लो इसको हम नहीं कनेक्ट करें, या इसको ओपन कर दें, तो करंट तो फ्लो होगा नहीं। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ये सर्किट कहलाया कौन सर्किट, ओपन सर्किट, ये सर्किट हो गया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का जब वोल्टेज हम मेजर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो बच्चों उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ किसे कहेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस को ही कहेंगे। कब, जब ये सर्किट ओपन सर्किट होगा, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो सर्किट का जो वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम वोल्टेज होगा, क्योंकि यूज तो हो नहीं रहा है। तो मैक्सिमम वोल्टेज को ही हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। कब कहते हैं, जब सर्किट ओपन है तब ईएमएफ कहते हैं। तो बच्चों जनरल केस में ईएमएफ को इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, तो ईएमएफ हो गया। तो ईएमएफ को हम क्या समझेंगे, कि किसी ओपन सर्किट के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ कहेंगे, यानी कि एक ए भी वोल्टेज का ही एक प्रजाति है। तो ईएमएफ बराबर क्या हो गया, ईएमएफ का फॉर्मूला जब हम पढ़ते हैं तो ईएमएफ बराबर आता है वर्क डन बाय चार्ज। जिस तरह पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ना, उसी तरह ईएमएफ का भी होता है। तो ईएमएफ बराबर क्या हो गया, ईएमएफ बराबर हो गया वर्क बाय चार्ज। एसआई यूनिट निकालेंगे आप, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क का हो गया जूल और चार्ज का हो गया कूलाम। तो जूल पर कूलाम, इसी को ना वोल्ट कहा गया, तो ये हो गया वोल्ट। तो वोल्टेज का भी एसआई यूनिट वोल्ट, और ईएमएफ का भी एसआई यूनिट वोल्ट। अब इसका डायमेंशन निकालेंगे आप, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, वर्क डन का डायमेंशन पुट करेंगे, निकालते हैं ईएमएफ का डायमेंशन, ये हो गया ईएमएफ। यहाँ लिखेंगे वर्क का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज का डायमेंशन ए टी। हिसाब कर लीजिए, एम अकेले है, देख लीजिए एल टू हो गया, ये वन ऊपर जाएगा माइनस वन, और माइनस टू माइनस थ्री, ए ऊपर जाएगा तो माइनस वन। तो ये हो गया किसका, डायमेंशन आपका, ये डायमेंशन हो गया ईएमएफ का। तो ये चीजें हैं ईएमएफ। देखिए बात क्या है, सो ईएमएफ और वोल्टेज में, आप नया बैटरी खरीद के लाए घर, बिल्कुल नया बैटरी है, नया बैटरी खरीद के लाए आप, उसका वोल्टेज मेजर करिए, सर्किट में नहीं जोड़े हैं, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, आप वोल्ट मीटर लगाइए या मल्टीमीटर लगाइए, उसका वोल्टेज नापिए, वो जो वोल्टेज होगा नया बैटरी का वो ईएमएफ कहलाएगा। सबसे ज्यादा ईएमएफ उसी समय होगा जब बैटरी बिल्कुल नया होगा। अब बैटरी को कनेक्ट कर दिए हैं सर्किट में, और वहां से करंट फ्लो करने लगे, और तब आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करिएगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, वो वोल्टेज कहलाएगा।
जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तब, और जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ बड़ा होगा, वोल्टेज से ईएमएफ बड़ा होगा। अब कब बड़ा होगा कब नहीं बड़ा होगा, इसे तो ऑलवेज बड़ा होता है ही, ऐसे कि जब कोई बैटरी चार्ज कर रहे होते हैं हम, उस समय वोल्टेज बड़ा हो जाता है, ईएमएफ छोटा होगा। नहीं तो अदर केस में ईएमएफ ही हमेशा बड़ा रहता है वोल्टेज से। अब हम देखेंगे दोनों में मुख्य क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। ये तो डिफरेंस आप देखेंगे तो इधर समझ लीजिए आप पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर आप समझ लीजिए ईएमएफ। लिखना होगा डिफरेंस, कोई बुक उठा के आराम से लिख लीजिए, यहाँ आराम से समझ लीजिए, चीजें समझ में आ जाएगा, फिर लिखना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, या डिफरेंस बिटवीन एनी टू, डिफरेंस किस चीज का, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स, पोटेंशियल्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स इन अ क्लोज्ड सर्किट। कोई एक क्लोज सर्किट है, उस क्लोज सर्किट के किसी भी दो बिंदुओं के पोटेंशियल्स के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और ईएमएफ कब कहेंगे, ईएमएफ क्या हो गया कि कोई सर्किट जो होगा उस सर्किट सोर्स कनेक्ट होगा, ये हो गया सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल। अब इस सर्किट को ऐसे करके ओपन कर दीजिए, अब इस सर्किट का जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों को घटा करके निकालिए, उसको हम कहेंगे ईएमएफ। मतलब ईएमएफ किसको कहेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ फॉर एन ओपन सर्किट। तो विद्यार्थियों ये बात है मेजर डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस में जब बात करेंगे, दूसरा बात तो आप ध्यान रखेंगे क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ईएमएफ से हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा, ये हमेशा जो होगा सो स्मॉलर देन ईएमएफ, और ये हमेशा ईएमएफ जो होगा क्या होगा ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन क्या होगा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस यदि हम चर्चा करें तो तीसरा डिफरेंस में हम क्या चर्चा करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी होगा तो क्लोज्ड सर्किट में होगा, यानी कि करंट का फ्लो करना आवश्यक है। और ईएमएफ गौर करें कि दोनों सर्किट में वैलिड होता है, ओपन सर्किट में भी और क्लोज सर्किट में। आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि ईएमएफ ओपन सर्किट में तो होना ही है, क्लोज सर्किट में कब होगा। नंबर फोर, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्टेज जो है सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा उस पे निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है, मान लो कि एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है, ए और बी, ये और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज निकालना है, तो ये दोनों के बिंदु के बीच जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस पर निर्भर करेगा क्या वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इस पे निर्भर करेगा। लेकिन विद्यार्थियों ईएमएफ जो होता है उसको सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, तो अतः ईएमएफ को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यही देखें हम पोटेंशियल डिफरेंस को, तो पोटेंशियल डिफरेंस को सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लेना देना होता है। और भी डिफरेंस आप देखना चाहें तो डिफरेंसेस तो और भी हैं। एक हाँ एक और मेजर डिफरेंस जो है वो क्या है कि किस केस में कभी कभी आपसे वाइवा में पूछा जाएगा, जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उस समय वाइवा में सवाल किया जाता है, जो एक्सटर्नल आते हैं वो सवाल करते हैं कि बताओ बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कब बड़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कब बड़ा होगा, जबकि हम लोग पढ़े हुए रहते हैं कि ईएमएफ हमेशा बड़ा होता है ना। लेकिन कंडीशनल केस में पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता है, बड़ा कब होता है, जब बैटरी चार्ज कर रहे होते हैं, वाइल चार्जिंग अ बैटरी इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स ग्रेटर देन ईएमएफ। तो जब चार्ज कर रहे होते हैं उस समय बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ से बड़ा हो सकता है।
यही सब है। उसके बाद के क्लास में जब हम आएंगे तो पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा पढ़कर रखेंगे। ठीक, तो इतना देर तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। घर पे पढ़ाई करें। धन्यवाद।